रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों, फिर भी दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो। किरण, किरण जी, आप हमारे घर मिल गई। जी ये तो कमाल ही हो गया। बैठो जी, बैठो, आराम से बैठो। ओ पुत्र, नमस्ते करो आंटी जी को। मेरी नई नई दोस्त बनी है मिसेस सिंह। नमस्ते आंटी। हाँ जी, क्या हो गया जी? आप तो बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? कैटरर नहीं मिल रहा। अच्छा, मैंने एडवांस में उनको 90% देने की कोशिश करी, उनके मार्केट रेट से ज्यादा, पर उन लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि इतने शॉर्ट टाइम में वो लोग ये सब काम नहीं कर सकते। इन लोगों को क्या पैसों की जरूरत नहीं? ओए होए होए, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। मतलब कार में सगाई और मेहमानों को खाना ना मिले, ये तो द्वारा घाट के लिए बड़ी बदनामी वाली बात हो जाएगी ना। ओए होए, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, है ना संध्या पुत्र? हाँ जी आंटी, मैं समझी नहीं। ओ पुत्र, मैं बताती हूँ जी। रोनी जी, आपके सामने पेशे खिदमत है, हमारी द्वारा घाट की सबसे बढ़िया कुक। जी खाना तो ऐसा बनाती है, एक बार कोई खा लेना तो ओए होए होए, उंगलियां चाटते रह जाता है। और मिठाई, ओ पुत्र जलेबी बड़ी अच्छी बनाई थी तूने, वो मिठाई बड़ी टेस्टी बनाती है, लाजवाब कुक है जी वो। नहीं मैम, पर मैं केटरिंग नहीं कर सकती, मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। तो बन जाओ, क्योंकि हुनर तुम्हारे हाथों में है और कीमत मेरे पूरे 50,000 का चेक दे रही हूँ। नाम बताओ। आंटी सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकती। ओ जी संध्या कश्यप। आंटी मैं ये नहीं ले सकती, सॉरी। मुझे ना नहीं हाँ सुनना है, रख लो। ये तुम्हारी जिंदगी का पहला बड़ा ऑर्डर है, वो भी सिंह परिवार के लिए, इसलिए रख लो और काम शुरू करो। ओ पुत्र, घर आई लक्ष्मी को नानी कहते, और बड़ों को मना, गलत बात है पुत्र, जा घर जाके तैयारी कर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन लोगों को पैसों की इतनी कमी है और इसका ससुर गलियों में नौकरी के लिए फिर रहा है, फिर भी पैसों के लिए मना कर रहे हैं, क्यों? मुझे क्योंकि इसको लग रहा था कि इसकी ननद मिसेस आर्यन बन जाएगी, इसीलिए तो सगाई में हाथ नहीं बटाना चाह रही। मतलब आर्यन और ज्योति, डॉक्टर ज्योति आर्यन के लिए सच में सीरियस थी? मुझे सिर्फ वो नहीं, आर्यन भी तो। मैं तो हैरान हूँ आपको कैसे नहीं पता, पूरे द्वारा घाट जानता है इस बात को। जान तो मैं भी गई हूँ अब तुम्हें। है जी। मतलब तुम बहुत अच्छी हो, हमारी दूर तक निभेगी। ओ जी। सच्ची, आ जाओ फिर। ओ जी आपको ऐसे करके मुच्ची करना है, हमारे द्वारा घाट का रिवाज है मुच्ची। जी मैं आज आने वाली हूँ, शाम 8 बजे तक चलेगा ना? हाँ हाँ, मैं पेपर्स लेके ही आऊंगी जी। ज्योति। हाँ भाभी। तुम्हें पता है आर्यन की सगाई में हर एक गेस्ट को थैंक यू गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आर्यन और पारुल की बचपन की तस्वीरें होगी, और तो और अंतरा ने एक खास केक भी बनवाया है जो कि शहर के बाहर से आने वाला है। वाह, आपको तो आर्यन की सगाई के बारे में सब कुछ पता है। हाँ वो इसलिए क्योंकि मिसेस सिंह ने मुझे सगाई में केटरिंग करने के लिए कहा है,
ये देखो एडवांस में चेक भी दिया है पूरे 50,000 रुपए का। क्या भाभी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आपने हाँ कहा ना? तुम पागल हो? जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा हो मैं उसके सगाई में खाना बना के पैसे कमाऊंगी? मैं इतनी खोखली नहीं हूँ ज्योति। खोखली तो मैं हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। वो तो मैं उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चेक उनके सामने नहीं फाड़ा, लेकिन अब फाड़ने वाली हूँ। भाभी क्या कर रही हो आप? हमेशा से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी ना, ये वही मौका है। वहां पे इतने सारे लोग होंगे जो आपके हाथ का खाना खाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, वो आगे और लोगों को बताएंगे, ऐसे ही आपका नाम होगा और काम मिलेगा। नहीं, मैं आपको ये मौका गंवाने नहीं दे सकती ज्योति। पर मैं भाभी आपको मेरी कसम, ज्योति तुमसे कितनी बार कहा है ये कसम पकड़े मत दिया करो। अब तो दे दी, माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? हाँ, कि मैं जो भी कमाऊंगी उसमें से घर की किस्त के लिए मैं भी एक हिस्सा दूंगी। नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। सॉरी। क्यों नहीं हो सकता? ये घर, ये परिवार, ये लोग सब मेरे अपने हैं। जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है वैसे मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब इस बात पे कोई बहस नहीं होगी, वरना कसम टूटी समझो। अच्छा ठीक है बाबा, मान ली आपकी शर्त। अब उन्हें कॉल करके बोलिए कि आप केटरिंग करोगे। नहीं ज्योति, तुझे ही करना ही होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। तू ऐसी बातों के लिए नहीं आंसू बहाएगी, तू इतनी कमजोर नहीं है। नीलामी, लोन, किश्ते नहीं भरी, ये सब क्या है पापा? अरे तुझे इससे क्या करना है बेटा? ये पेपर्स बैंक का नोटिस है, अगर हमने टाइम पे किश्ते नहीं भरी बैंक को, हमारा ये घर नीलाम हो जाएगा, और उन किश्तों को भरने के लिए तेरे पापा एक कंस्ट्रक्शन साइट पे नौकरी कर रहे। जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा हो मैं उसके सगाई में खाना बना के पैसे कमाऊंगी? मैं इतनी खोखली नहीं हूँ ज्योति। आर्यन ने तुम्हें नहीं बताया? इट्स ओके, मेरी और आर्यन की एंगेजमेंट है तो प्लीज तुम आना। ये लड़की ये कर क्या रही है? डॉक्टर छोटी, ये वहां क्या कर रही? ओ नो, ये सुसाइड तो नहीं कर रही? नहीं उतारूंगा। ये क्या करने वाली थी तुम? मेजर ऑरिन, We'll be right back.
आ गए आप हीरो बनके एक लाचार बेचारी लड़की को बचाने। एक मिनट, अरे यहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? बहादुरी का मेडल आप ही को देने के लिए रखा था, पता नहीं मिल ही नहीं रहा है। ओहो, मैं भी इतनी बुद्धू, मेडल तो उसे दिया जाता है जो किसी की मदद करता है, पर आप जिसकी हेल्प कर रहे थे यानी कि मेरी, वो सुसाइड नहीं करने जा रही थी। झूठ बोलने कोई जरूरत नहीं है, मैंने देखा तुम वहाँ क्या करती, वहाँ से कूदने जा रही थी तुम। नहीं, पेपर्स कूद रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। लाइए दीजिए, मैं अपनी हेल्प और मदद दोनों खुद कर सकती हूँ। दीजिए, मैंने कहा छोड़िए। ये लो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों, आप ड्रॉप क्यों करेंगे मुझे? क्योंकि तुम एक लड़की हो। अब मैं जानता हूँ तुम इंडिपेंडेंट हो, खुद का ख्याल रख सकती हो, लेकिन इतना बहुत लेट हो गई और ये एरिया भी सेफ नहीं। चलो मैं सब में ड्रॉप कर देता हूँ। अगर आपके साथ गई ना तो जिंदगी से ड्रॉप हो जाऊंगी। ऐसे यहाँ पे आपके साथ खड़े होकर बात करने में मेरा दम घुट रहा है। अगर गाड़ी में आपके साथ बैठ गई ना तो मैं मर ही जाऊंगी। बाय बाय। बाय। तो तुम मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, मैं तो बस एक दोस्त से मिलने आई थी। दोस्त? तुम्हारा? हाँ। जरा नाम बताना। हम नाम भी भूल गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है, बताओ ना साफ साफ, क्या बात है? ओके, तो साफ साफ बात ये है जय, आई रियली लाइक यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने किसी के लिए ऐसा कभी फील नहीं किया। जब से मैं तुमसे मिली हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ। सॉरी अगर तुम... तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे लिए यही महसूस करता हूँ। रियली? ओह माय गॉड, कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है जय। मेरा भी। तो फिर हम कल चले कॉफी पे, हमारी पहली डेट। वो कौन सा फेमस कैफे है यहाँ पे? कॉफी हाउस। हाँ भाई, ठीक है, कल 5 बजे। श्योर। बाय बाय। ओ जी आप बेफिक्र रो रोनी जी। ओ जी मैंने तो 3 घंटे पहले ही पहुंच जाना है ना। हाँ, वो सारी तैयारियां देख लूंगी मैं। जी हाँ, मेरे बच्चे आएंगे ना मेरी मदद करने के लिए। आपको दीजिए कोई टेंशन हो ना तो सीधे मेरे को फोन कर देना, ठीक है? मॉम, आप मेरी मॉम हो ना? वो क्या बकवास कर रही है चल्ली? हाँ माना, मेरी मॉम थोड़ी जिद्दी थी, थोड़ी सेल्फिश थी, थोड़ी मीन भी थी, पर एक चीज नहीं थी। हाँ क्या? चमची। चमची नहीं थी मेरी मॉम, लेकिन आप ना बनते जा रहे हो उन रोहिणी आंटी के। हम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है,
आप ये सब कर क्यों रहे हो? अब तो उनके बेटे की सेटिंग हो गई ना किसी और के साथ, और मेरी तो आर्यन से बात भी नहीं होती। ओ, बात होती थी चली, फिर तूने कौन सा आर्यन का दिल जीत लिया था? हैं? जीतूंगी तो अब मैं रोनी जी का दिल। ओ, माना कि उनका पुत्र मेरा जवाई नहीं बन सका, लेकिन उनकी कुड़ी भी तो है, वो बनेगी ना मेरी बहू, वो अंतरा। अंतरा? हाँ अंतरा। ओए, उसकी शादी तो हो सकती है ना हमारे वरुण के साथ। हम आना थोड़ी अकड़ू है, पर पैसे वालों के पास अकड़ ना हो तो फिर पैसे का फायदा ही क्या है। मुझे तो ना थोड़ी अजीब सी लगती है वो अतरंगी सी। और रहन दे, तू भी दुनिया वालों को वही लगती है फिर। ओए, अतरंगी है तो क्या हुआ, पतरंगी तो नहीं है ना उस संध्या जैसे। मैंने तो सोच लिया कि अब अंतरा बनेगी इस घर की बहू। जब आज सवेरे वरुण मुझे वॉक के लिए लेकर गया तो दोनों ने एक दूसरे का रास्ता क्रॉस किया और मैंने फिंगर्स क्रॉस किया। आंखें चार हुई तो दोनों मुस्कुराए, मगर अंतरा थोड़ा ज्यादा खिलखिलाई। क्या सपना देख रहे हो माँ? अंतरा का कुछ सामान गिरा था जो वरुण भाई ने उठा के उसे दे दिया। इसे आंखें चार पांच होना नहीं कहते। चुप रहे, तुझे नहीं पता कुछ। हाय रब्बा, क्या हुआ? मुझे रोनी जी से मिलने अभी जाना पड़ेगा। ओहो, चले जाती हूँ। और रहन दे। ओह गॉड, प्लीज मेरी मॉम को पहले वाली मॉम बना दो। पहले वाली मॉम सब पे हुक्म चलाती थी, और ये वाली मॉम जो हुक्म बस यही करती रहती है। पापा, आप द्वारा घाट की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाइएगा। बिल्कुल बेटा। और भाभी आप इतना अच्छा खाना बनाइएगा कि सब ना उंगलियां चाटते रह जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू बेटा। मेरा खाना ये रहा पापा। वाह, क्या बात। अच्छा बिना आता हूँ मैं। बाय बाय पापा। मेरा भी टीका कर दो माँ। क्यों, तू कहाँ जा रहा है? एक जरूरी काम से जाना है, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा खुफिया काम करने जा रहे हो जो हम ही नहीं बता सकते? क्यों बताऊं? अच्छा, इतने महीनों से तू कमरे से बाहर नहीं निकला है, आज परफ्यूम वगैरह लगा के कहाँ जा रहे हैं? आप तो वो आखिरी इंसान हो गए जिसे मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, इसलिए आप तो पूछो भी मत। माँ, आप टीका लगा रहे हो क्या? चल रुक एक मिनट। आता हूँ मैं। छोड़, जाने दे उसे, थोड़ा वक्त दे। जैसे आज अपने कमरे से बाहर निकला है ना, वैसे ही तुझसे भी बात करना शुरू कर देगा। हाँ, बात मेरी नहीं है, बात उसकी है। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। और कितना वेट करवाओगे हैंडसम? तुम पहले इंसान हो जिसका अंतरा सिंह वेट कर रही है। मैं
कहीं बिजी थे, एक घंटे से वेट कर रही हूँ। सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया। चलो नेक्स्ट टाइम तुम मेरी वेट कर लेना। श्योर, पर पहले कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, मुझे भूख लगी है। ऑर्डर करें? ओके। एक्सक्यूज मी, मैम ले लीजिए। डैमन, आंखें बंद करके चल रहे हो क्या? I'm real, sir. जे क्या कर रहे हो? टिश्यू दो, मुझे जरूरत है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू सर।